तो हरियाणा के विधायक दल की बैठक खत्म हुई है, सुनिए किशन बेदी क्या कहते नजर आ रहे हैं। पूरा धरने में हमारी टीम ने और हमारी सरकार का क्या रहा उस सब पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इसके साथ साथ सरसों खरीद, गेहूं खरीद और सूरजमुखी खरीद, इस विषय पर भी सभी विधायकों से, मंत्रिमंडल के साथियों से लंबा विचार विमर्श किया गया और सभी विधायक साथियों ने, मंत्रिमंडल के साथियों ने माने मुख्यमंत्री जी की गेहूं खरीद और सरसों खरीद की जिस प्रकार की योजनाएं जो बनी थी और उन योजनाओं से किसान को भी और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से उस काम को बड़े मोर्चे पर हमारी सरकार ने संभालने का काम किया, उससे किसान भी आज बड़ा प्रसन्न नजर आया और हमारे विधायक साथी भी उसके एक भूरी भूरी प्रशंसा करते आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नजर आए। इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से फसल की खरीद का अन्य मामलों में भी इसी प्रकार से एक अच्छा प्रदर्शन हरियाणा सरकार करे, उसके सुझाव काफ़ी महत्वपूर्ण आज आए हैं और उन पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहानुभूति भी पूर्वक विचार करके उनको आगे बढ़ाने की योजना की शुरुआत की है। इसी प्रकार से मेरा पानी मेरी विरासत जो मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, पिछले दिनों नौ ब्लॉक के अंदर उसके ऊपर एक चर्चा की थी कि किसान यदि धान की फसल को छोड़कर अन्य वैकल्पिक फसलों की ओर जाएंगे तो सरकार उसके ऊपर विस्तार पूर्वक उनको इंसेंटिव देने की बात थी। उसमें 7,000 रुपये किसान को सीधा दे रहे थे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको जो बीमा का लाभ है वो भी उनको देंगे। परंतु आज ये बड़ी खुशी की बात है, शुरुआत में कुछ विपक्षी दलों ने और कुछ किसान यूनियन के हमारे साथियों ने इसका विरोध किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि हरियाणा में 1,000 हेक्टर भूमि पर धान का वैकल्पिक फसल बोई जाए और अभी तक जो आंकड़ा लगभग जो एक घंटा पहले तक था वो 99,000 प्लस का डाटा था। 99,000 से ज़्यादा कुछ हेक्टर जमीन किसानों ने अपनी मर्जी से इस बार ही धान से अलग करने का उन्होंने काम किया। तो ये एक जो मुख्यमंत्री जी का सपना था वो एक अच्छा, लोगों ने उसके ऊपर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद आज वो लोग इसका लाभ लेने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और विचार है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर एक हफ्ता के बाद ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना मुख्यमंत्री जी ने लोगों को जागरूक करने के लिए चलाई थी उसके ऊपर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी हमारे विधायक दल के साथियों ने उसके ऊपर एक प्रशंसा भी की और लोगों में एक जागरूकता का आह्वान जो जनता के बीच में गया है उसके साथ लोग जुड़ने का काम कर रहे हैं। हाँ, यही एजेंडे थे, मैं अभी आ रहा हूँ चर्चा पर, उन पर आ रहा हूँ, विषय पर आ रहा हूँ। इसी प्रकार से कुछ हमारे विधायक के साथियों का एक बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साथियों से चर्चा की और ये बड़ौदा उपचुनाव जब भी चुनाव आयोग इसकी डेट तय करेंगे वो उस पर भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ मजबूती से चुनाव को लड़ने के लिए नहीं जीतने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और अभी से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी टीम उस काम में अपने टीम को लगा रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। सर, ये कोई सुझाव आया आपकी पार्टी के विधायकों के कि गठबंधन में हम है लेकिन पार्टी का उम्मीदवार बीजेपी का होगा, नहीं हो, क्योंकि असमंजस नहीं वो क्या नहीं नहीं कोई असमंजस नहीं। वे पिछले दिनों माननीय दुष्यंत चौटाला जी का भी ये बिल्कुल क्लियर कट था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और तमाम मुद्दों के ऊपर कोई विधायकों की कोई नाराजगी है किसी तरह? नहीं नहीं नहीं, आज लगभग 90-95 दिन के बाद सभी विधायक इकट्ठे हुए माननीय मुख्यमंत्री के साथ। विधायकों का तो एक सुझाव और भी था कि ये एक और मीटिंग जल्द से जल्दी आने वाले टाइम में 10 दिन के अंदर या विदिन 15 डे हमें दोबारा बैठने की आवश्यकता है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें खुलकर चर्चा करने की जरूरत है। सर, कुछ विषय ऐसे भी थे इससे पहले चर्चा रही, स्पीकर साहब भी यहाँ पर थे, कई विषय आए जिसमें विधायकों की ये शिकायत थी कि जो उनके वहाँ मौजूदा जो अधिकारी वो बात नहीं सुनते। नहीं, आज इस विषय पर ना तो किसी विधायक की तरफ से कोई बात आई ना कोई चर्चा हुई। वो विषय विधानसभा का था, हमारे माननीय स्पीकर महोदय ने जो सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो निर्देश और गाइडलाइन और जिस प्रकार की बात उन्होंने रखी थी वो उसके ऊपर विचार विमर्श हुआ उस लेवल पे। आपके 40 विधायक जो हैं वो संतुष्ट हैं अभी तक के आपके कार्यकाल के तमाम मुद्दों से, कोई नाराजगी तो नहीं दिखी? मैं आपके बीच में एक बात बड़े
उसके साथ कह सकता हूँ। 5 साल का हमारी सरकार ने पहले भी कार्यकाल पूरा किया है और अब भी लगभग 7-8 महीने का कार्यकाल इस सरकार का हो गया है और गठबंधन की सरकार बड़ी मजबूती के साथ चल रही है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए चल रही है। विभिन्न संकट काल, चाहे कोरोना की महामारी है या अन्य विषय है, उनको अच्छी तरह से पार पाते हुए जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए माने मनोहर जी के नेतृत्व में बढ़िया सरकार चल रही है और सभी विधायकों ने इसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। नहीं, आज ये विषय नहीं था, ये केंद्र का विषय है और माने मुख्यमंत्री जी और विधायक दल इस बात को समझता है कि केंद्र की जो जिम्मेवारी है वो केंद्र ने तय करनी है और इसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला नहीं है, क्योंकि पहले हमारे इसी हरियाणा निवास के अंदर पहले हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व की टीम यहाँ पर आई थी, बड़े विस्तारपूर्वक उन्होंने विधायकों से भी और अन्य कार्यकर्ताओं से मिलकर भी जो चुनाव की थी, इस प्रकार का समीकरण बने, किस प्रकार आगामी अध्यक्ष की बात हो, वो सारा कुछ केंद्र का मामला है, वो ही तय करेंगे। सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो रहा है, कई नेताओं की तरफ से। देखिए, आप लोग सभी मीडिया के मेरे साथी हो और सभी मेरे ख्याल से चंडीगढ़ को नहीं, आप पूरे देश को कवर करने वाले लोग हो, इस प्रकार के विषय कोई मतलब नहीं होता। आपके साथ संजय सिंह सोना के विधायक, इन्होंने मुख्यमंत्री को चेक दिया सर, वो क्या मामला है? संजय सिंह जी हमारे सोना से बड़े ऊर्जावान विधायक हैं, हमारे युवा साथी हैं, इन्होंने 1 करोड़ रुपया कोरोना COVID-19 के लिए अपने सहयोग राशि माने मुख्यमंत्री राहत कोष के अंदर इन्होंने देने का काम किया है और हाँ ग्राम पंचायत की तरफ से और सोना के सारे साथियों की तरफ से ये एक अच्छा कदम है, इससे प्रेरणा लेकर और लोगों को भी इसमें मदद करनी चाहिए। जो ये राहत कोष में जो योजना दी गई है, जो अपना दान जो दिया गया है अनुदान, वो हमारे ग्राम पंचायत सांचोली पंचायत है उसकी तरफ से और 11,000 रुपये एक्स्ट्रा, 1,11,000 रुपये एक हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पंचायत तरफ से अपनी तरफ से जो योगदान दिया। आपकी सोना है, एक पंचायत का चाहिए 1 करोड़ रुपये का पंचायत का है और 11,000 रुपये एक हमारा कार्यकर्ता उसका है। वेदी को आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आए बरौदा उपचुनाव पर कोई सस्पेंस नहीं है, सब कुछ क्लियर है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। और दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी उन्होंने साफ कर दिया कि उन्होंने कहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के कोई भी बातचीत सुनने को नहीं मिली है। कृष्ण बेदी ने भी साफ किया कि ये केंद्र का फैसला है, केंद्र ही इस पर निर्णय लेगी। तो मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर के भी इस बैठक में अहम चर्चा हुई, जिसमें अगर कोई किसान वैकल्पिक फसल उगा रहा है, पैदावार वैकल्पिक फसल की कर रहा है, तो सरकार की तरफ से उसे इंसेंटिव दिया जाएगा। अहम जानकारी ये इस बैठक के दौरान निकल करके सामने आई है। और गठबंधन को लेकर के भी बात साफ हुई है कि बरौदा उपचुनाव जो हो रहे हैं उस पर बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा और दोनों ही पार्टियां गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगी।